बात उस बड़ी खबर की जिस पर न्यूज नेशन की नजर आज बनी हुई है। जेट एयरवेज के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी निकल के आ रही है। ईडी ने दिल्ली और मुंबई के तकरीबन दर्जन भर ठिकानों पर दबिश दी है। जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई है। जेट एयरवेज घाटे की वजह से बीते 17 अप्रैल से परिचालन से बाहर है। जेट एयरवेज पर फंड को इधर से उधर करने समेत कई अनियमितताओं का भी आरोप लगा हुआ है। आपको बता दें कि जेट के ऊपर 18,000 करोड़ के कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आरोप लगे हुए हैं। जेट एयरवेज अभी भी ठप पड़ी हुई है और अभी दिवालिया प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। आपको बताते हैं, नरेश गोयल जेट एयरवेज फाउंडर के ठिकानों पर रेड चल रही है। नरेश गोयल के दिल्ली और मुंबई के ठिकानों पर ईडी ने यह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। 12 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन निदेशालय की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जेट एयरवेज के अंधेरी स्थित ऑफिस पर भी छापे पड़े हैं। प्रमुख ऑफिस माना जाता है ये। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि बड़ी राशि का हेरफेर हुआ है। फीमा के तहत छापेमारी का मकसद सबूत जुटाना है। नरेश गोयल पर फंड डायवर्जन का आरोप लगा है, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। वित्तीय संकट से घिरी हुई जेट एयरवेज का 17 अप्रैल से परिचालन ठप है, इसके ऊपर बड़ा कर्जा है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट के तहत समाधान प्रक्रिया से इस वक्त कंपनी गुजर रही है। और आपको बता दें कि कंपनी के ऊपर अगर जो कर्मचारी उनकी सैलरी जोड़ दी जाए तो 11,000 करोड़ से ज्यादा का देनदारी है। रुमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमान, ये जो कार्रवाई की जा रही है इसमें ये माना जा रहा है कि एक बड़ी राशि है जिसका हेरफेर हुआ है, उसका डायवर्जन किया गया है। देखिए बिल्कुल, नरेश गोयल के आवास समेत दिल्ली और मुंबई में जेट एयरवेज के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दरअसल ये पूरे मामला जो है उसकी ईडी जांच कर रही है कि JPPL यानी जेट प्रिविलेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एतिहाद एयरवेज ने जो निवेश किया था उसमें नियमों को ताक पर रखकर पैसे का लेन देन किया गया था। साल 2014 में हुए इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि FDI का उल्लंघन हुआ था। अभी फिलहाल दिवालिया होने की कगार पर है जेट एयरवेज। 8,500 रुपये का खर्चा, माफ़ कीजिएगा, कर्जा जेट एयरवेज के ऊपर है। कर्मचारियों की सैलरी भी जोड़ ली जाए तो 11,000 करोड़ है और इसके अलावा अगर टोटल एक्सपेंसेस वगैरह देखे जाएँ तो 18,500 करोड़ रुपये की देनदारी ऐसा बताया जा रहा है कि जेट एयरवेज की है। और इसी सिलसिले में तमाम छापेमारियाँ चल रही हैं।